इधर खोलो, इधर खोलो, इसको इधर खोलो, इसको इधर खोलो। महापंचायत 2005 का ध्वज लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद जयमुख खात्री राष्ट्रीय परंपरा हमारे सेकुलर होने का एक परिचायक है, उसको भी दिखा रहे हैं। हम अक्सर सड़कों पे काम करते हुए ये देखते हैं, हम अक्सर सड़कों पे काम करते हुए देखते हैं कि एक ऐसा तादाद है, एक ऐसा वर्ग है जिसके बीच में कोई हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं होता है। ये कभी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, ये सारे के सारे साथी लोग आपस में मिलजुल करके एक तरीके से रहते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए, अपने जिंदगी के जीने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहते हैं। जी जी जी, कृपया साथियों आप थोड़ा आगे आ जाए, आगे आगे। ये सात ध्वज नहीं है बल्कि आश्रय अधिकार अभियान के द्वारा जिस संघर्ष का आगाज 2000 वर्ष में किया गया था, वो धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ा और हर वर्ष इन बेघरों के हित में कुछ न कुछ, इन बेघरों के अधिकारों के लिए कुछ न कुछ, जो कुछ जुड़ाव सरकार के तरफ से, जो कुछ अधिकार सरकार के तरफ से मिले, उसका ये परिचायक है। सिर्फ उसी का परिचायक नहीं है बल्कि उसका भी परिचायक है कि इस सड़क पे रहते हुए, बेघर बन करके रहते हुए, बेघर नियति में इनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बच्चा बेघर बुजुर्ग विकलांग तमाम। चाहते हैं सिर्फ ये नाच गान का ही मंच नहीं है बल्कि ये मंच है जहाँ से ये बेघर साथी लोग, जिनकी नियति है सड़क पे रहना, संघर्ष करना, रोजाना के स्तर पे अपने जिंदगी को अलग जिंदगी में तब्दील करने की जद्दोजहद करना, और उस जद्दोजहद करने के चक्कर में उन्हें रोजाना के स्तर पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, पुलिस का जुल्म सहना पड़ता है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो रोजाना के स्तर पे इन्हें परेशान करती हैं, रोजगार की तलाश में यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता है, कई प्रकार के संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही अपने संघर्षों को बयान करने के लिए हमारे मंच पे आ रही है चंदा। चंदा जो करोल बाग पेंट से आ रही है, करोल बाग में एक अस्थायी आश्रय गृह लगाया गया है जहाँ पे जिस प्रकार की जिंदगी ये वहाँ संघर्षपूर्ण तरीके से व्यतीत कर रही है, उनको आपके समक्ष आपके बीच में व्यक्त करने के लिए आ रही है। तो चंदा के उस हौसले के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि अपनी बात किसी मंच से सामने रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चंदा का कृपया आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।
खासकर महिलाएं, अभी महिला दिवस बीता है और महिला हमेशा से भारी है, स्त्री जो हमेशा ही भारी है। सभी लोगों को, बहनों और भाइयों, मैं सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम चंदा है, मैं करोलबाग फैज रोड से आई हूँ और मैं रहने वाली पंजाब की हूँ। मेरे पापा नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, कैसे भी थे, मगर मेरे पापा ने लव मैरिज करी है और मेरी मम्मी इलाहाबाद की है। उन्होंने लव मैरिज करने के बाद मेरे पापा स्मैक पीते थे। स्मैक पीने की वजह से मेरी मम्मी बहुत परेशान थी उनसे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शादी करने के बाद मैं 1.5 महीने की थी, उन्होंने मेरे नानी नाना को मुझे दे दिया। पाल पोस के उन्होंने बड़ी करा, मगर मेरे नानी नाना की बस की नहीं थी कि वो मेरी शादी कर सकते हैं। और शादी करने के बाद उनको ना मना कर दिया। मैंने लव मैरिज करी है बड़ी होने के बाद, मुझे 8 साल हो गए शादी करे हुए। एक हमारा लड़का है, हम रहते हैं पटरी पे, मगर कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो औरतों को गलत निगाह से देखते हैं, गलत लफ्ज बोलते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, उल्टा सीधा कलम करने के लिए बोलते हैं। कहते हैं अगर तुम हमारे साथ कुछ कहोगी नहीं, कुछ करने नहीं दोगी, तो हम तुम्हारे को यहाँ से मार के भगा देंगे, तुम्हारे पति को बंद कर देंगे ऐसे जुर्म में जो तुम कभी छुटा नहीं सकती हो। रोड पे हम खाना बनाते हैं तो चूल्हे में पानी डाल देते हैं, ऐसे सुख से हमारे को बहुत परेशानी होती है सर। आप बताओ हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। मगर हमारे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी औरतें हैं, जितने भी आदमी हैं जो रोड पे, पटरी पे, कहीं भी रहते हैं, उनके सबके लिए सुविधा करो। और कहने का मतलब और भी है हमारे, जैसे छोटे बच्चे हों या कोई बड़े बच्चे हों, उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था करो, उनके ओढ़ने का, बिछाने का, खाने पीने की व्यवस्था करो। और सबसे पहले तो छत दो रहने के लिए, जो कोई पुलिस वाला, कोई गलत आदमी किसी औरत को, किसी बहन बेटियों को गलत निगाह से ना देख सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें जब से टेंट मिला है, हमें हर चीज की परेशानी से कुछ भी नहीं हुआ। टेंट में रहने के बाद हमारे बच्चे जो रोड पे बीमार हो जाते थे, उन्हें हमें बीमारी से बचने में हुआ। और क्या नाम है, हमें अच्छा सा रहने के लिए व्यवस्था हो गया टेंट में। मगर टेंट जब चला जाएगा तो हमें वही फिर परेशानी उठानी पड़ेगी, फिर मुसीबत से खेलना पड़ेगा। मगर हम सब यही बोलेंगे कि जितने भी हमें, हमारे सबको रहने के लिए व्यवस्था करें। धन्यवाद। चंदा ने जो बात रखी है वो सबकी बात है, इनकी बात नहीं है, आप सबकी बात है ना। हम सब लोग रोजाना के स्तर पे वैसे ही संघर्ष करते हैं, वैसे ही झेलते हैं अपनी जिंदगी को। सही बात बोली ना चंदा ने आप सबकी तरफ से। और आज क्या इस देश में हम गरीब होकर जन्म लिए तो कोई अपराध नहीं किए हैं ना? एक एक स्थिति है जिसमें हम गरीब हैं और कुछ लोग अपने ऊंचे ऊंचे महल बना करके अमीरी के दरवाजे के साथ सिर फेंकाते हैं। साथियों, ऐसे ही कुछ अल्फाज को लेकर के आपके बीच आ रहे हैं हमारे वरिष्ठ बेघर साथी श्री सुरेंद्र सिंह खामोश, जो आपके बीच में अभी थोड़े दिन पहले जनगणना का कुछ काम हुआ था। आप लोगों को मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि आप लोगों को जनगणना हुआ है? कुछ लोगों को मालूम है? यहाँ आई हुई मेरी बहनें, बच्चे और अतिथिगण, मैं सबका नए साल का स्वागत करता हूँ। इस मंच पे पधारने के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसे संजय जी ने बताया, मेरा नाम सुरेंद्र खामोश है। मैं भी इस जिंदगी की लड़ाई को नशे की लत में पड़कर झाड़ चुका था, मगर फिर पता नहीं कैसे परमात्मा ने या साथियों ने मेरे को साथ दिया और मैंने इस नशे की लत को छोड़ के यहाँ आश्रय अधिकार अभियान में गरीब साथियों की सेवा कर रहा हूँ। और साथ में थोड़ी दूर मैं कलम भी चलाता हूँ। आज जो मैंने कलम चलाई है, गांधी जी की नीतियों के साथ खामोश की कलम चली है। गांधी जी का नाम जब मेरी जुबान पे आता है तो मेरे को एक बात याद आ गई गांधी जी की, कि एक दिन छुट्टी का दिन था। गौर करना संजय साहब, प्रशांत जी, गौर करना जरा मेरी बातों का। एक दिन छुट्टी का दिन था, गांधी जी ने सोचा भाई आज कोई काम नहीं करेंगे, आज सारा दिन घर में ही रहेंगे, रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। तो ऐसे ही दिन बीत गया। जब शाम हुई तो गांधी जी को एक बात याद आई, गालिब का एक शेर याद आया कि खाली मत बैठ गालिब, कुछ ना कुछ
चाहिए। उन्होंने सोचा भाई क्या करें, तो कहने लगे आज रेस्ट तो है ही है, चलो कहीं घूम के आते हैं। उनके मन में विचार आया और वो अपनी लाठी लेके चल दिए घूमने के लिए। घूमते घूमते वो दरियागंज पहुंच गए। दरियागंज के अंदर क्रॉस करा जब तो आगे जामा मस्जिद है। छुट्टी वाले दिन जामा मस्जिद के ऊपर एक बहुत बड़ा कबाड़ बाजार लगा करता था। गांधी जी वहां पहुंच गए, उन्होंने एक दुकान देखी, दो दुकान देखी, पे क्या क्या सामान इस पे रखा हुआ है। तीसरी दुकान पे जब पहुंचे, दुकानदार ने बड़े बेतरीबी से सामान सजाया हुआ था और जो उसके पास खाली बक्से हुए थे सामान निकाल के, उसको उसने पीछे रख के उन खाली बक्सों के ऊपर एक चिराग पड़ा हुआ था। चिराग जो था बहुत खूबसूरत था, बाबा आदम के जमाने का वो चिराग था। गांधी जी को वो चिराग जो था पसंद आ गया। देखते रहे भाई ये मैला कुचैला हो रहा, अगर इसको साफ करके शोरूम में लगाया जाएगा, घर में रखा जाएगा शोकेस में, तो कितना अच्छा लगेगा। उन्होंने पूछा मियां जी क्या ये पीछे जो डब्बों के ऊपर चिराग रखा हुआ है ये भी बिकाऊ है? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा मियां जी हैं भाई आप पहले कदरदान आए हो, सालों से पड़ा हुआ है मेरे पास, किसी ने नहीं पूछा मेरे से, आप बहुत कदरदान हो, इसको मैं दिखाता हूँ, बहुत पुराना बाबा आदम के जमाने का ये चिराग है। उन्होंने उठा के गांधी जी को दिखाया। गांधी जी ने पूछा भाई इसकी कीमत क्या है? कहने लगा महाराज आप इसके कदरदान हो, मेरे पास तो ये बेकार पड़ा हुआ है, आप जितनी स्वेच्छा से इसकी कीमत लगाएंगे मैं ले लूंगा। गांधी जी ने अपने मन में सोचा भाई इसकी कितनी को कीमत हो जानी चाहिए? उस टाइम चार आने बहुत बड़ी दौलत होती थी। उन्होंने कहा भाई मैंने स्वेच्छा से इसकी चार आने कीमत लगाई है। कहने लगा ठीक है महाराज आप कदरदान हो, लगाई है तो दे दीजिए। गांधी जी को उन्होंने वो चिराग दे दिया। गांधी जी वो चिराग लेके अपने घर चल दिए। जब घर पहुंचे तो सामने टेबल के ऊपर वो चिराग रख दिया और कहने लगे एक कप चाय पीती है। उन्होंने चाय बनाई, चाय पीने लगे तो वो गर्म थी। कहने लगा उनकी नजर तो थी वो चिराग के ऊपर ही थी भाई, कहीं से वो पीतल का हिस्सा बना हुआ है, कहीं से लकड़ी का, कहीं से चांदी लगाई गई है। उन्होंने कहा इसको सफाई करते हैं। गांधी जी ने एक कपड़ा उठाया और पीतल वाले हिस्से के ऊपर एक रगड़ा मारा, दूसरा मारा। जब तीसरा रगड़ा मारा तो उस चिराग के अंदर से एक जिन निकल आया, धुएं की नकील निकली और देखते ही देखो बड़ा दैत एक जिन बन के खड़ा हो गया। गांधी जी ने पूछा भाई तू कौन है? कहता मेरे आका मैं इस चिराग का जिन। कहने लगे अच्छा भाई तू यहाँ क्या करने आया? कहता मेरे आका मैं आपका गुलाम हूँ, आपने मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ। गांधी जी ने कहा भाई हमने तो तुझे नहीं बुलाया। कहता महाराज जो आप चिराग लेके आए हैं इसके ऊपर जब रगड़ा लगाता कोई तीन दफा तो मैं चिराग से बाहर आ जाता हूँ। हुक्म कीजिए मेरे आका मैं आपका गुलाम हूँ, क्या चीज चाहिए आपको मैं हर चीज ला के दूंगा। गांधी जी ने बोला अच्छा क्या कुछ लाके दे सकता है? कहने लगे दुनिया की दौलत नाम शोहरत इज्जत पैसा जो मर्जी मांगिए एक छिन में हाजिर कर दूंगा। गांधी जी ने कहा ठीक है देखते हैं भाई तू भूखा तो बड़ी बड़ी मार रहा है, देखते हैं क्या कुछ लेके आता है। कहने लगे महाराज ये मकान है इसकी घूमने इतनी ऊंची कर दे के आसमान को छूने लगे। वो बोलने लगा जी एक छिन में लो अभी कर देता हूँ। कहते हैं बापू जी मैं ये आपका काम करने जा रहा हूँ, उससे पहले मेरी एक शर्त है वो सुन लीजिएगा। गांधी जी ने डंडा उठाया, कहने लगा अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब पहला सवाल तेरे को काम देने के ऊपर ही तू शर्तें लगाने लगा। कहने लगा जी शर्त समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, विनती समझ लो, एक बात सुन लीजिए। गांधी जी ने बोला भाई सुना क्या बात है? कहने लगा मुझे जब आप काम दे देंगे एक दफा काम पे लगा देंगे उसके बाद मेरे को 5-10 मिनट के लिए भी खाली मत छोड़िएगा, काम देते रहिएगा नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। लगे मुझे खा जाएगा? कहने लगा जी अगर तेरे को काम देते रहेंगे तो फिर मुझे नहीं खाएगा। कहते हाँ जी जब तक आप मेरे को काम बताते रहेंगे मैं करता रहूंगा, जब आपने मेरे को खुला छोड़ दिया तो मैं खा जाऊंगा। गांधी जी बोलने लगे अच्छा तू फूटे तो बड़ी मार रहा था, पहले ये मेरे घुमन जो है तेरे को बुला आसमान तक कर, देखते हैं फिर तेरे को काम भी देंगे, मेरे पास तो बड़े काम है, सारी जिंदगी लगा रहेगा, काम की कमी नहीं होगी।
तो कहने लगा ठीक है। उसने जो करके अपना वो कर्तव्य दिखाया और जो घूमते थी वो आसमान को छूने लगे। गांधी जी ने भाई कहा तू तो बड़ा कर्माती बंदा है। अब बोलने लगा और काम बताओ। गांधी जी ने उससे जो भी मांगा, जो भी करा, इज्जत, नाम, शोहरत, जो कुछ भी मांगते गए उसने सब दिया। अब गांधी जी के पास काम खत्म हो गया। वो बोलने लगा जी मुझे काम दीजिए वरना मैं आपको खाने जा रहा हूं। गांधी जी ने कहा भाई भले मानस मेरी एक बात सुन ले कि जो चीजें तूने मेरे को उपलब्ध कराई है थोड़े दिन मेरे को उसका सुख ले लेने दे, उसके बाद मुझे खा जाना कोई बात नहीं। कहने लगा नहीं जी ये नहीं चलेगा। पहली शर्त यही थी कि मुझे काम पे लगाए रखेगा नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा और खाने के बाद मेरी भूख शांत हो जाएगी, मैं चिराग में जाके सो जाऊंगा, फिर जब कोई मुझे बुलाएगा तो बाहर आऊंगा। गांधी जी ने कहा भाई जिद मत कर, खाने वाने का बात छोड़ दे, थोड़ा टाइम आराम कर ले, मैं भी इन चीजों का सुख ले लूं। तो वो नहीं माना, मैं खाने जा रहा हूं आपको। गांधी जी ने कहा अच्छा भाई खाने जा रहा है, खाने से पहले मुझे एक काम कर दे। बोला हाँ मेरे आका, बोलिए काम को तो मैं मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि जा एक बांस लेके आ जो इतना लंबा हो कि अगर धरती में गाड़ दे तो दूसरा सिरा आसमान को छूने लगे। कहने लगा जी अभी ले आता हूँ। ले आया, जब वो बांस आ गया तो गांधी जी ने कहा इस बांस को उस मैदान के अंदर धूप में गाड़ दे। उसने वो बांस गाड़ दिया। गांधी जी ने पूछा भाई बांस मजबूत है ना, गिरेगा तो नहीं? कहता नहीं मालिक। कहने लगे अब मेरी बात गौर से सुनना कि जब तक मैं तेरे को दूसरा काम नहीं बताता इस बांस के ऊपर चढ़ता रह, नीचे उतरता रह, ऊपर चढ़ नीचे उतर, जब तक मैं तुझे नहीं बुलाऊं मेरे पास मत आना। तो उसको गांधी जी ने उस बांस के साथ बांध दिया। जब वो ऊपर नीचे हुआ उसका तेल निकला, पसीना निकला, हाथ जोड़ के गांधी जी के पास आ गया। कहने लगा बापू मेरे को इस काम से छुटकारा दिलाइए, मेरे को कोई दूसरा काम करेगा? गांधी जी ने कहा नहीं यही तू काम करेगा। कहने लगा मालिक मैं अपनी शर्त वापस लेता हूँ, मैं आपको खाऊंगा नहीं, आप जब मेरे को कुछ भी मांगेंगे मेरे से मैं ला के दूंगा। कहने लगे अच्छा वादा करता है? कहने लगा हाँ जी वादा करता हूँ, सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि इंसान अपनी सोच से अपनी अकल से हर चीज को पिछाड़ सकता है, हर काम को आगे बढ़ा सकता है। गांधी जी ने वही किया। तो ये थी गांधी जी के जीवन पे एक घटना। मैं आपको बता दूं कि वो शायर लोग कहा करते हैं कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंभा जोड़ा। मैंने भी ऐसे ही आज की नजम लिखी है, वो नजम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मगर सब बेगर साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आओ मेरे साथ मिलके मौजूद मेहमानों से भी एक दफा एकता का परचम फहराएंगे, उसके बाद मैं आपको अपनी नजम भी सुनाऊंगा। आज दो हमारी एकता का परचम। अब मैंने जो अपनी कलम चला के चंद शेर लिखे हैं गांधी जी को बापू की नीतियों को साथ में लेके, वो सुनाने जा रहा हूं आपको कि जिंदगी काटनी है। सुनिए सर, जिंदगी काटनी है क्या होगा नहीं, हर हाल में करना पड़ता है सफल जो जिंदगी जीनी है। होश लेकर संग चले जीत के अब हम लौटेंगे, ऐसी लेकर हम उमंग चले। साथियों आओ परवाने बनो, जो जन मरने से डरते नहीं, जो हक की खातिर लड़ते हैं वो तो मर के भी मरते नहीं। कुछ ऐसा ही फलफला बापू ने हमें समझाया था कि नाम अमर करवाना हो
तो तलवार की धार पे चलना पड़ता है। सफल जो जिंदगी जीनी है हर कदम पे लड़ना पड़ता है, हर कदम पे लड़ना पड़ता है। एक और शेर सुनिएगा कि मकड़ी का जाला देखा है, संजय सर, मकड़ी का जाला देखा है, शिकार निकलता नहीं जब उसमें फंस जाए, वो जितनी कोशिश करता है फंदा उतना ही कस जाए, शिकार बेबस हो रह जाता है और अपनी जान गवाता है। मगर हम बेबस नहीं, चुप रहेंगे नहीं। सरकार जी, हमें बापू ने यही समझाया था कि हक लेना है तो सिर पे बांध के कफन, ओ यारो मरना पड़ता है। सफल जो जिंदगी जीनी है हर कदम पे लड़ना पड़ता है, हर कदम पे लड़ना पड़ता है। आश्रय अधिकार अभियान के माननीय ऑर्गेनाइजर पर, माननीय गणमान्य अतिथि और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के ये बेघर बुलबुले साथियों को मैं केसी परिदा का क्रांतिकारी अभिनंदन। पहली बात तो ये है कि मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उड़ीसा का नहीं हूँ। 1996 में एशिया इंडिजिनस पीपुल्स पैक्ट का एक किताब मैंने पढ़ा, तो जिसमें ये लिखा है कि फिलीपींस में एक ट्राइब है जिस ट्राइब का नाम कलिंगा है, और उसके सेंसस के अनुसार फिलीपींस में उस कलिंगा ट्राइब का पॉपुलेशन 1,17,000 था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विख्यात हिस्टोरियन मैडम रोमिला थापर वो लिखती है कि आज से करीब 2070-75 वर्ष पूर्व हमारे देश में जो कलिंग युद्ध हुआ था, उस कलिंग युद्ध में करीब 1,00,000 योद्धा युद्ध भूमि में मारे गए थे। कलिंग युद्ध तो हारा था, 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल, छुप कर अपना सब कुछ खोकर पार जंगल में अपने आखिरी सांस लिए, और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया गया। उसके बाद कलिंग का नाम निशान मिट गया, कलिंग ने कलिंग को फिर उत्कल का नाम दिया गया जिसको आज उड़ीसा बोलते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा है सत्यमेव जयते। मेरे समझ से हमारे देश में सत्य का दफन उसी कलिंग के युद्ध भूमि में हुआ था। तो जिस दिन से मैं इस किताब को पढ़ा उस दिन से मैंने ये तय कर लिया कि मैं उड़ीसा का नहीं, मैं कलिंगा का हूँ। और शायद ये कलिंगा का ही खून का जोश मुझे आज तक जिंदा रखा है जो मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ, जब चौथी क्लास में मैं पढ़ता था तो हमारे एक स्काउट टीचर थे श्री जोगेंद्र मिश्रा साहब, उनने मुझे छांट के निकाला कि एक बेटा, जब मिक्स्ड एजुकेशन थी, प्रेयर के बाद जब लड़कियां अपने अपनी जगह पर चली जाती थी पंक्तियों में, तो मुझे वहां पर संवैधानिक कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए लगाया गया। चौथी कक्षा के छमाही के परीक्षा के बाद से सातवीं कक्षा के फाइनल एग्जाम तक मैं हमारे पूरे स्कूल को संवैधानिक, नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्य का पाठ पढ़ाया करता था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित होते हैं। उसी दिन से ये बात मेरे जहन में घर कर गई। मैं कोई बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट तो नहीं था, ये भी कहना सही नहीं है कि मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। पारिवारिक, सामाजिक अशांति के कारण शिक्षा से मेरी रुचि चली गई। इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा था, वहाँ एग्जाम के टाइम में मुझे एक्सपेल्ड कर दिया गया।
ये बोलकर कि मैं नक्सली हूँ और जिंदगी तबाह हुई तो नक्सलियों के कारण। एक एनजीओ खड़ा करने का कोशिश किया मैं, आदिवासी जिस क्षेत्र में मैं पैदा हुआ वो आदिवासी क्षेत्र है झारखंड का, जहाँ पर इस देश का सबसे पहला लोहा कारखाना लगाया जे एन टाटा ने।
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए ये बबलू है, ये हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता साथी है। हर वर्ष महापंचायत में ये अपने हुनर से इसी तरीके से आप सब लोगों का बहुत बहुत मनोरंजन करता है, ताकि आप सब लोग अपने स्थान पे बने रहें, इनके हुनर का आनंद उठाएं और अपने हक और अधिकार की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसको बैठ के गंभीरता के साथ, एकता के साथ और संघर्ष को मजबूती के साथ हासिल करने की कोशिश करें। तो एक बार आप सब लोग जरा इसको जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ इसको आशीर्वाद दीजिए बबलू को। अच्छा, हमारे बीच प्रकाश को, ओम प्रकाश एक स्कूल जाता हुआ बच्चा है, हमारे एक आश्रय गृह में रहता है और पिछले कई वर्षों से ये हमारे आश्रय गृह में रह करके अध्ययन कर रहा है। ओम प्रकाश, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं यूं पटरियों पर घूमता था और कूड़ा कबाड़ा बीनता था और मुझसे लोग काम करवाते थे, मैं नहीं करता था तो मुझे मारते थे। तो फिर मुझे एक भैया आए और बोले कि चलो मैं तुम्हें एक सेंटर ले चलता हूँ। वहाँ गया तो बहुत सारे बच्चे थे, वे मेरे दोस्त बने, मैं उनके साथ रहने लगा और खाना पीना सब कुछ सुविधा थी, उन्हीं के साथ मैंने दोस्त बना और पढ़ाई करने लगा। अब सोचा कि मैं भी अब कुछ पढ़ लिख कर बन सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार भी हमारी सहायता करे ताकि और भी बेघर साथियों की मदद मिल सके और वे भी मेरी तरह कुछ कर सके और बन सके। नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय। धन्यवाद। हेलो, ओम प्रकाश के इस हौसले के लिए आप सब लोग एक बार उसको ताली बजाइए। देखिए आपके बीच का बच्चा है, किसी ट्रेन में सवार होकर घर के गरीबी के कारण से सड़क पे आया और आने के बाद ऐसे ही भटकता था, अलग अलग स्थानों पे रहता था। अपने जीवन की सबसे बड़ी कामना भी कारण हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं समाज के उस वर्ग से हैं, समाज के उस तबके से हैं जो सब जो तबका सामान्य नहीं, सामान्य से कुछ ऊंचा है। क्यों इतनी परेशानियां भुगतने के बाद आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हम सुंदर स्वस्थ हैं, ये इस चीज का परिचय है। मेरे साथियों, मैं केवल एक बात से शुरुआत करना चाहता हूं और सरकार को बता देने के लिए मैं आप लोगों का सहयोग चाहता हूं और भविष्य के लिए आपको प्रेरित करता हूं कि ये स्थान जिस स्थान पर बैठ कर आज हम संकल्प है, इस स्थान से हम एक शर्त, हम एक विचार के साथ में अपने आप को तैयार करें कि अधिकार कभी मांगे से नहीं मिलता है, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब मुझसे कुछ समय पहले मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि कुछ करना पड़ता है, हम उसी ने एक नज़म सुनाई, उस नज़म के बारे में उन्होंने बताना चाहा कि किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। तो मैं एक बात पूछूं इस भारत सरकार से, उन रहनुमाओं से, ये जो भीड़ इकट्ठी है ये देश की है या विदेश की है? अभी मेरे विदेशी मेहमान आए, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कुछ बताई, वो देखने के लिए नहीं आए, शर्म से डूबते मरने की बात है इस सरकार के लिए कि विदेश से आए हुए मेहमान इस दयनीय स्थिति को देख रहे हैं और हमारी सरकार जो इस देश के रहने वाले हैं, जो इस देश की पैदाइश है, वो बेनाम जिंदगी जी रहे हैं, उनका कोई परिचय नहीं है, वो परिचय के मोहताज है किसी के। सबसे पहले मैं सरकार से, उस पहली सरकार से ये गुजारिश करूंगा इस मंच के माध्यम से कि इनको एक पहचान दी जाए जिस पहचान के लिए हकदार है। दूसरी चीज जो मैं आपके सम्मुख कहना चाहूंगा वो ये कि सरकार, ये सरकार फाइव स्टार होटलों के अंदर बैठ करके छोटी छोटी मीटिंगें कर सकती है, हम इस पार्क के अंदर इतनी बड़ी मीटिंग कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, उसका ही कोई अंश बचा करके अगर इसने काम के लिए सरकार लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों, बहुत बहुत बधाई कि आज आप सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हो और जैसा कि आशय अधिकार अभियान ने सबसे पहले होमलेस पे काम करना शुरू किया था और मैं भी आशय अधिकार का एक वॉलंटियर रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा हूँ
एक चीज मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि जरूर ये बात है कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और सरकार का पूरा पूरा सरकार का तो नहीं लेकिन सरकार का एक वर्ग है जो बहुत आप लोगों के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं, चाहते हैं कि आप लोगों की भी भलाई हो। ज्यादातर लोग जितने भी लोग हैं समाज में वो शायद उतना अच्छा नहीं सोचते, ना सरकार के ज्यादातर लोग उतना अच्छा सोचते, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि समाज में प्यार मोहब्बत से ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। कभी नफरत से समाज सुधर नहीं सकता, चाहे वो अधिकारों की लड़ाई हो। मेरे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मन में आप कड़वाहट ना भरें, आप अपने अधिकारों के लिए जरूर अपने पैरों को जमा के रखें पर मन में ये कड़वाहट ना भरें कि कोई आपकी सोचता नहीं। ऐसा गलत है, बहुत लोग आपका सोचते हैं, बहुत सारे लोग आपके बारे में चिंता करते हैं। आशा अधिकार अभियान उसका एक सिंबल है कि एक उसका लक्षण है कि कितने लोग आपके बारे में सोचते हैं। हम लोग हैं IGSS है, सरकार का एक छोटा वर्ग जो आपके बारे में सोचता है। ऐसा नहीं, समाज में आप लोगों के प्रति प्रेम है, लेकिन एक बात और समझनी होगी कि अधिकारों की लड़ाई सिर्फ सरकार से नहीं है, कुछ चीजें अपने आप से भी। जैसे नशा, आप सोचते हैं कि क्या सरकार ही आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, क्या वही आपके आपको कंट्रोल कर रही है, आपका नुकसान कर रही है। हर बीड़ी जो आप पीते हैं वो आपको अपनी गुलामी में लेके आती है। हर नशा जो आप करते हैं आपके यहाँ के जो भी कोई भी कर रहा है वो न सिर्फ अपने लिए नुकसान कर रहा है बल्कि आसपास दो तीन लोग जो उस पे आश्रित हैं उस पे नुकसान कर रहा है। वो बच्चे के लिए नुकसान कर रहा है, जो बच्चा शायद उसके घर में जो एक पीढ़ी है वो शायद किसी बच्चे के लिए चाहे वो दवाई का हिस्सा ले रही है लेकिन वो ले रही है। तो अधिकारों की लड़ाई अपने आप से भी करनी है, अधिकारों की लड़ाई इस बात में भी करनी है कि हमें नशा नहीं करना है किसी हालत में, हमें अपने पैसे को बर्बाद नहीं होने देना, हमें पढ़ाई करानी है और पढ़ाई के लिए हमें अधिकारों की लड़ाई करनी है, हमें स्कूल में जाना है, बच्चे अपने बच्चे को लेके टीचर से लड़ाई करनी है और वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो न केवल आशा अधिकार के साथी हमारे साथ होंगे, हम सब आपके साथ हैं। कोई भी दिक्कत आएगी आप जरूर आप हमें अपने साथ पाएंगे। तो इसी अब आपके साथ अनुरोध करते हुए कि भाइयों और बहनों, समाज में आपके प्रति बहुत प्रेम है, बहुत लोग आपको चाहते हैं, आप भी अपने को चाहो, आप भी कोशिश करो कि इन सब इन जो कमजोरियां हैं इनसे बाहर निकलो, आपसी झगड़ों से बाहर निकलो, इकट्ठे रहो, एकता बहुत जरूरी है। अभी बहनों के बीच में इतनी जबरदस्त लड़ाई हो गई, जरा सी सी बात बात आप भाइयों के बीच में जरा जरा सी बात पे लड़ाई हो जाती है, फिर पुलिस आती है। इस सबसे बचो, प्रेम रखो आपस में, आप देखोगे कि तब आपकी अधिकारों की लड़ाई कहीं ज्यादा कारगर होगी, कहीं जल्दी आप इन समस्याओं के बाहर निकलोगे। धन्यवाद, शुक्रिया अमोल जी। अमोल जी हमारे बड़े बड़ी साथी हैं, काफी पहले हम लोगों ने जब बेघर इशू पे काम करना शुरू किया था तो अमोल जी आशय अधिकार अभियान में आप तमाम बेघर साथियों के लिए जाकर के नशे के ऊपर, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर बहुत लंबे लंबे सत्रों का आयोजन किया करते थे। तो अमोल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको आए हमारे बीच में साथी के साथ। संतोष ने आप, मेरा नाम है मुन्नी, मैं करोल बाग से आई हूँ, करोल बाग से आई हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरे आदमी 10 साल हो गए मरे, 3 बच्चे हैं, मैं बच्चों को लेकर रोड पे पाल
खाती हूँ सहती हूँ, पर इसके बाद मुझे क्या हुआ, रैन बसेरा पे रहने लगी। रैन बसेरे में रहने के बाद मुझे सब चीज की सुविधा हुई, पानी की सब चीज होती इसकी हुई। उसके बाद आज तो ये है टन, तभी तो सुविधा है हर चीजों से। अब कल का ये हट जाएगा तो फिर इंसान उसी रोड पे रहेगा, फिर भी पुलिस वाले डंडा मारेंगे, हर कर्म करेंगे, तो इंसान करेगा क्या। पर हमारी प्रार्थना ये है कि सरकार हमें कुछ छाए छत्तर दे, और जितनी महिलाएं हैं विधवा और उनके पास कुछ भी नहीं है। माँ बुलाते हैं पहचान पत्र दो, राशन कार्ड दो, तो हम कहाँ से लाएं? रोड पर रहने वाले इंसान कहाँ से लाएं? हमारी मांग ये थी, तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा है कि हम विधवा के लिए भी पेंशन मिलना चाहिए। बहुत से बहनों
है ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। कैसा लगा कार्यक्रम? ये मजा आया? ये वही भाई साहब हैं जो आप लोगों के बीच में घूमते हैं, उस्मान सलमानी। तो एक बार जरा इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पृथ्वीराज कपूर बने हुए हैं ये। और ये सोनू साहब हैं, सोनू हमारे दोस्त हैं, वॉलंटियर हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, हर साल डांस करते हैं, आप लोगों को मनोरंजन करते हैं। और ये बबलू है, ये भी हर साल आते हैं आप लोगों के बीच में देशभक्ति का जज्बा भरने के लिए। तो तीनों के लिए एक बार जोरदार जोरदार ताली जोरदार। चाहे वो आश्रय हो, चाहे आईजीएसएस हो, चाहे एमएनजी हो, चाहे जो भी हो, हम लोग बेघर की लड़ाई जो है हम ये मानते हैं, हम बेघर कहते हैं, लेकिन आप सब लोग शहर को निर्माण करने वाले हैं। अब शहर निर्माता है, सिटी मेकर कहते हैं हमको, आप लोगों को जो है, तब आप लोग शहर निर्माता है, जब आप लोग वोट दे के, जिनके पास वोट देने का अधिकार है, सरकार बनाते हैं, तो आज अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री आती है बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो अगली बार के इतना तो निश्चय होना चाहिए कि कैसे आएंगी वो हम तय करेंगे। यहाँ से हम इतना प्रण ले आपस में आज जो है कि जितने बेघर हैं इस बार जाके निर्वाचन भवन में जाकर के धरना दें, कि सबका जितने लोग हैं 18 साल से ऊपर बेघर, सबको जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। सबका जो है निर्वाचन जो कानून है उसके तहत सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और फिर हम बताएंगे नेताओं को कि कैसे सरकारें बनती हैं, कैसे सरकार बदलती है। और दिल्ली का मैं चाहता हूँ आने वाले 10 सालों में आपके बीच और ये संभव है हमारे बीच में, चाहे खामोश जी हो, चाहे तमाम लोग हैं, अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अच्छे बात रखने वाले लोग हैं, तो अगर निपढ़ अनपढ़ जिनको याद नहीं है वो जाके संसद में बैठ सकते हैं, तो हमारे बीच में से कोई व्यक्ति जाके दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। तो इसकी बात मैं चाहूंगा कि संघर्ष लंबा है, हमें मिलकर काम करना है, हाथ छोड़ नहीं देना है, हाथ पकड़ के रहना है, और एक दूसरे पे निंदा नहीं करनी है, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि हमारी फूट पे पुलिस
स्लोगन के साथ मैं खत्म करूंगा अपने बात ये कहते हुए कि दिल्ली के पूरे तमाम लोग हम सब आप सबके साथ हैं। आपका दर्द हमारा दर्द है, हम अलग नहीं है बिल्कुल। तो 11 साल का परिश्रम है, हम और 64 साल इंतजार नहीं करेंगे बेघर लोगों के लिए, जो शहर निर्माता लोग हैं उनके लिए, उनका पूरे अधिकारों के लिए। हमें 3 साल के अंदर नतीजा चाहिए। सरकार से हमारी ये मांग होगी कि 3 साल के अंदर जो मांग रहे हैं ये मुहैया करना होगा, अन्यथा दिल्ली की सड़कें जाम हो जाएंगी। जितने बेघर है दिल्ली में, जितने गरीब है, सब पूरा चक्का जाम कर देंगे। पूरा दिल्ली का जो है कॉमनवेल्थ गेम हमें नहीं चाहिए, हमें अपना इंसानियत चाहिए, हमें इज्जत से जीने का हक चाहिए। बस इतना कह के सरकार हमसे डरती है, गुजारिश है कि आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहिबा, हम सब लोग के सीनियर बुजुर्ग मासमान हम लोग के बीच में, आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हैं, आई हैं। इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय निकाल कर हम सब लोग आपके तरफ से आशय अधिकार अभियान की पूरी टीम, आशय अधिकार अभियान कार्यकर्ता, बेघर मुद्दे पे जुड़े हुए काम करने वाले तमाम साथी लोगों की तरफ से उनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं आज के इस बेघर महापंचायत में। इसके साथ साथ आप सब साथियों से हमारे निवेदन है कि आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं शांति बनाए रखें। मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच में अभी रहेंगे। जो आशय अधिकार अभियान की निदेशिका है वो फूलों का स्वागत करें। तो हम निवेदन करते हैं परमजीत जी से कि मुख्यमंत्री जी के स्वागत गुलदस्ते के साथ करें। लोगों ने बहुत सारा काम किया है इस वर्ष, तो बहुत सारे टेंट खोले गए हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस काम को बहुत बड़े स्तर पर लेके जाएं, क्योंकि ये सारी जनता भी इस दिल्ली शहर की जनता है और ये भी महसूस करती है कि दिल्ली हमारी भी है। एक इन्होंने स्लोगन भी दिया है मैडम पीछे, दिल्ली हमारी भी है, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया है। और इन्होंने न सिर्फ अधिकार के स्तर पर बल्कि एक कर्तव्य के स्तर पर भी कि हम भी दिल्ली को बनाने, संवारने और निर्मित करने में अपनी योगदान करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे, उसके स्तर पर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। तो हम चाहते हैं कि आप आशीर्वचन के तौर पे और ये जो समाज कार्य का क्षेत्र है इसको कैसे हम लोग और आपके मार्गदर्शन में और बड़े स्तर पर ले जाएं, ताकि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, वंचित व्यक्ति है, वो लोग अभी 150 सम्मानित परमजीत जी और सभी प्यारी प्यारी बहनों और प्यारे प्यारे भाइयों, आपकी दशा जो होती है उससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और परमजीत जी के और उनके आशय अधिकार अभियान के साथ हम अपने आप को भी जोड़ना चाहते हैं, जिसमें हम आपको आने वाले समय में जो सुविधाएं हम दे सकते हैं ज़रूर देंगे। हम लोग छोड़ सोच रहे हैं कि होम्स वगैरह बनाएं, जिसमें आपको ठंड में या ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा बरसात में जो तकलीफ़ें आज होती हैं वो भविष्य में ना हो पाए। थोड़ा समय आपसे ज़रूर मांगूंगी, लेकिन परमजीत जी की सलाह मशवरा से, क्योंकि बरसों से आपके बीच में काम कर रही हैं, उनका पूरा जो अभियान है जो उन्होंने चलाया है, उनसे राय मशवरा करके ये ज़रा सी समय और मिल जाए हमें 10-12 दिन का, तब हम बैठकर एक पॉलिसी निकालेंगे जिसमें आपको तकलीफ ना हो। आपका स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है, और कमाई तो आप कर ही लेते हैं जैसे भी करते हैं,
लेकिन स्वास्थ्य को मैं चाहूंगी कि जितने बच्चे आप लोगों के हैं वो स्कूलों में जरूर जाएं। जाएंगे कि नहीं? हाँ, स्कूलों में जरूर जाना चाहिए। स्कूल में जाएंगे तो पढ़े लिखेंगे, और जो गरीब लड़कियां हैं, जो गरीब माँ बाप की लड़कियां और बच्चियां हैं, उनमें हम पढ़ाई के अलावा बिल्कुल मुफ्त की पढ़ाई होती है, लड़कों को भी होती है, यूनिफॉर्म भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं, एक दिन का एक भोजन भी मिलता है। लेकिन उसके अलावा गरीब लड़की जब वो 12वीं क्लास खत्म कर लेगी तो उसे 1,00,000 रुपया हम देते हैं। तो भेजोगे ना बच्चियों को स्कूल? हाँ, भेजना शुरू कर दो, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो। पंडित हाँ बोल, आप बोलो ना, वही से बोलो, वही से बोलो, वही से बोलो, सुनाई दे रहा है। सर, हम लोग हैं नशेबाज बंदे, हमने नशा छोड़ा है। क्या बहुत अच्छा, तालियां बजा आपने नशा छोड़ा। ऐसा कोई कारोबार मिल जाएगी जो कि हमारा ध्यान न भटके, हर उस काम में हम अपने बिजी रहे, जरूर है 24 घंटे। अरे, तुम्हारे को ईश्वर ने दो हाथ और दो पांव दिए ना, इनसे दौड़ो, अच्छी तरह से काम दिए तो सबको काम मिल जाता है, हमें मिलता है ना। हाँ, हिम्मत से करो और आना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को, और बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी हम जितना भी कर सकेंगे सरकार की तरफ से, वो आपके लिए हाजिर होगा। थैंक यू। परम आदरणीय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आदरणीय शीला दीक्षित जी, हम तमाम मीना बाजार के दुकानदारों की तरफ से आपके यहाँ इन गरीबों की महफिल में आने पर और दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं। और मीना बाजार की शान, मीना बाजार का एजाज, आपको पगड़ी पहनाकर मीना बाजार के दुकानदारों की तरफ से हमारे जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब, हमारी चीफ मिनिस्टर शीला जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे मीना बाजार के वाइस प्रेसिडेंट परमजीत कौर जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। मीना बाजार डेवलपमेंट यूनियन की तरफ से, मीना बाजार डेवलपमेंट एडवाइजर यूनियन की तरफ से जोरदार तालियां। हमारे दरमियान संजय जी भी हैं, हमारे अभियो पहलवान साहब, उनका स्वागत करेंगे पगड़ी पहनाकर, जोरदार तालियां। हमारे दरमियान एसएचओ जामा मस्जिद आई के झा साहब, जो सुबह से ही हमारी चीफ मिनिस्टर साहब के इंतजाम के अंदर पूरा इंतजाम किया है, उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। सेक्रेटरी वसी साहब एसएचओ जामा मस्जिद, जोरदार तालियां। जबाज अधिकारी है, ये बहुत जबाज अधिकारी है, आप हमेशा गरीबों के लिए काम करते हैं, इसलिए हम आई के झा जी का बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं आपके बीच में जी। इसके लिए हम मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो कर किस्मत फकीरों की, बला को टाल देती है दुआ रोशन जमीरों की। तो ये जो हमारे इनका जवाब नहीं है, और ये हमारी संस्था जो काम करती है, ये गरीबों का ध्यान रखती है, आशा अधिकार संस्था, और इनके जो लोग हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, ये हमारी गंगा जमुना तहजीब जो है, ये मिलाकर चलते हैं और इन गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं। अभी कोर्ट ने जो ऑर्डर करे हैं, परसों हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं कि मीना बाजार में गरीबों के लिए रेम बसेरा दोबारा बनाया जाए, जो आज से 11 साल पहले तोड़ दिया गया था, तो हम भी उसका स्वागत करते हैं और इन गरीबों का भला होगा। और मेरी मीना बाजार की एसोसिएशन सदर हाजी जमालुद्दीन साहब, अभी वो पहलवान ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिम भाई, नायब सदर वसी भाई, गुलफाम भाई, नदीम भाई, हम पूरी पूरी एसोसिएशन और पूरे मीना बाजार के लोग आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परमजीत जी आपके बीच में भी आएंगे, आप सब पंचायत में हाजिर होने के लिए। हमें मालूम है आप सब लोग सुबह सुबह से अभी तक बैठे हुए हैं, कई लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा। हमें खेद है कि कार्यक्रम थोड़ा सा समय से ज्यादा बढ़ाना पड़ा, लेकिन आपका ये जोश जो दिखाते हैं आपकी हाजिरी से कि इतने घंटों बैठ के, इससे हमें बहुत बल मिलता है हम सबको कि ये हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है,
अभी और चरम सीमा तक पहुंचेगा। सरकार के पास पहुंच रही है आवाज, और मजबूती से जाएगी और कुछ कार्यक्रम जरूर हमारे लिए बहुत जल्द समय में बनेंगे। मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका यहाँ पे बहुत व्यस्त उनकी समय था, आज प्रोग्राम था, उसमें से कुछ समय निकालने के लिए। इससे ये जाहिर होता है कि हम उनकी उनके उनके सोच में हैं और वो हमारे बारे में सरकार सोचने लगी है। अब ये हमें खुशी होनी चाहिए और इस खुशी का सारे श्रेय आप ही सब लोगों को जाता है। तो इसलिए बाकी एनजीओ से, बाकी संस्थाओं से, संगठन से हमारे बहुत भाई बहन साथी और दोस्त आए हैं। हम आश्रयधिकार अभियान की तरफ से उनका भी बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उनका यहाँ आने पे आने के लिए बहुत धन्यवाद, और आशा रखते हैं कि हम सभी संगठन, सभी समूह इकट्ठे होकर दिल्ली में इस संघर्ष को और आगे ले जाएंगे और हम एक साथ होकर एकजुट आवाज में अपनी आवाज रखेंगे। एक बार फिर आखिर में मैं ये कहूंगी कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारा ये जो स्लोगन आपने देख दिया है, नारा कि दिल्ली हमारी भी है, तो वाकई दिल्ली हमारी है। तो मेरे साथ एक आवाज दे दीजिए, दिल्ली हमारी, दिल्ली हमारी। हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाने का प्रोग्राम भोजन का रखा है, आप सभी भोजन अपना ग्रहण करके जाइए। और कोई गलती हुई हो, कोई भूल चूक माफ हो, माफ कर दीजिए। बड़े प्रोग्राम में कुछ ना कुछ रह जाता है, छूट जाता है। और हमें हम अभियान साथी जितने आश्रयधिकार अभियान की टीम के साथियों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कई रात भर से, दो तीन दिन से सोए नहीं है कई साथी, सारा ये प्रोग्राम आयोजन करने के लिए। और जो स्टेज पे हमारे साथियों ने प्रोग्राम दिया, बहुत अच्छा लगा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पे सोनू का ग्रुप जो है, हमें हमेशा 7-8 सालों से हमारा साथ देते रहे हैं, आपका मनोरंजन करते रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार कह दीजिए सोनू के ग्रुप का धन्यवाद। ऐसे ही आपका मनोरंजन करते रहे आते हुए समय में। तो अभी पीछे खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं देख रही हूँ बैंड बाजे वाले जा रहे हैं, मोतिया खान से एक ग्रुप मोती आया उठा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने का।